हम मांग पत्र लेके अंदर गए थे, बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ तो नहीं गए थे। हम में से कोई भी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो ये नहीं समझते हैं कि इस तरह के मेमोरेंडम से हमारी बात सुनी जाएगी। बात तो तब सुनी जाएगी जब हम लोग इकट्ठे होंगे। आज यहाँ जितने हैं इससे अगर दुगने होंगे तो और ज्यादा बात सुनाई देगी, और तिगने होंगे तो और मजबूत होगी आवाज। तो लेकिन ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, एक सांकेतिक चिन्ह है कि हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर से कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया जाए, और साथ में ये भी कहा कि ये हमें कभी समझ नहीं आ पाता है कि जब भी किसी कलाकार को कलाकार की अभिव्यक्ति पर किसी तरह की लगाम लगाई जाती है तो उससे वो बात और ज़्यादा फैलती है। हो सकता है कि दो साल पहले कबीर कला मंच और शीतल और उनके साथियों को पुणे के बस्तियों में ही लोग जानते होंगे, आज दो साल होने को हैं और देश भर में अब उनके नाम से लोग वाकिफ हैं, उनके काम से वाकिफ हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ साथी अभी भी जेल में हों, लेकिन उनकी जो बात है वो हम मानते हैं कि 100 गुना मजबूत हो गई है, उनकी बात और फैली है। तो यही बात थी कि हमें समझ नहीं आता कि सरकारें क्या सोचती हैं जब इस तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश होती है। और उनसे ये कहा गया कि ये एक संकेत है कि दिल्ली तक लोग बहुत आक्रोश है इसके बारे में, और ये भी साथ साथ कि इससे ना तो कोई सहमा है ना तो कोई डरा है, और हम सब ऊंची आवाज़ में बात उठाते रहेंगे। और जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।